अब मैं चाहता हूँ, क्योंकि आपके मिजाज से वाकिफ हूँ, लिहाजा आपके मिजाज का लिहाज रखते हुए मैं चाहता हूँ कि नाते पाक के लिए मैं ऐसी शख्सियत को आवाज दूँ जिसका नातिया कलाम उसके जज्बे खुलूस अकीदत का आईनादार है और उनके दिलों की गहराइयों से निकले हुए अफकार का पुरतासीर नजराना है। इससे मेरी मुराद रात शायर खुश इल्हाम जनाब हजरत हाफिज शराफत साहब बिस्वानी से मैं गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपनी नात पाक से हम सामने के कुलूब को मुजल्ला फरमाएं। जनाब हाफिज शराफत साहब बिस्वानी। उस्ताद मोहतरम अल-हाज हज़रत अल्लामा मौलाना आसिम इक़बाल साहब नदवी की दामत बरकातहु अलैहिया अभी आपसे मुखातिब थे। दिल चाहता था कि हज़रत यूँ ही बोलते रहें और हम और आप सुनते रहें, लेकिन और भी मेहमानों को बुलाया गया है, इंशाअल्लाह उनका भी खिताब होना है। बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हज़रत क़ारी अब्दुल यकीन साहब और उनके तमाम साथियों का, तमाम असातिज़ा का जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाने संवारने में उनकी मदद की है। अल्लाह उन सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। हजरत हाजी ज़ुबैर साहब ने मदरसे के हवाले से कुछ अशआर पेश किए, मुझे भी जो है हुक्म हुआ था कि मदरसे के हवाले से कुछ अशआर पेश कर दीजिएगा। उससे कबल मैं चाहता हूँ कि उस्ताद मोहतरम ने जो खिताब फरमाया है उसी के मद्देनजर चार मिसरे आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़िए, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم, और अगर नींद ना लग रही हो तो एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा थक गए हैं क्या, एक बार हाथ उठा के कह दीजिए सुभान अल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। हाजिर करता हूँ समात फरमा, देखिएगा के न दहशत गरी न दहशत गर्द पढ़ते हैं न बेईमान पढ़ते हैं, न दहशत गर्द पढ़ते हैं न बेईमान पढ़ते हैं, मदारिस में मदारिस में मदारिस में रसूल अल्लाह के मदारिस में रसूल अल्लाह के मेहमान पढ़ते हैं, किताबें भी पढ़ते के लायक है यहाँ देखने, किताबें भी पढ़ते के लायक है यहाँ देखने, वही कुरान पढ़ते हैं, मुकद्दर जिन्ने के रोशन है वही कुरान पढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया हजरत, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। चार मिसरे शमशेरपुरवा वालों के हवाले से पढ़ता हूँ। हजरत क़ारी अब्दुल रकीब साहब का हुक्म, मौलाना मोइनुद्दीन साहब का हुक्म और इनके तमाम असातिज़ा साथी हजरत मौलाना मुज़फ़्फ़र साहब, मौलाना वसी साहब और मौलाना अय्यूब साहब सभी को शरीक करता हूँ। चार मिसरे हाजिर करता हूँ, चाहता हूँ थोड़ा सा और बेदार हो जाए, एक बार जरा बुलंद आवाज से कहते सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हाजिर करता हूँ के नूरी नूरी चादर कानी शमशेरपुर वाले
कह दीजिए सुभान अल्लाह। मौलाना इरशाद साहब बैठे हैं माशाल्लाह, हमारे दोस्त हैं, दर्शी साथी हैं। मौलाना अरशद साहब भी गाइस का जलवा अफरोज हैं। दीगर हमारे तमाम मेरे लिए खुशकिस्मती है कि बहुत दिनों के बाद इन सब से मुलाकात हो रही है। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। और यकीन मानिए जो दर्शी साथी हुआ करते हैं, जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि बचपन लौट आया हो। अल्लाह इन सबको सलामत रखे। हाजिर करता हूँ समाज फरमाए नूरी चादर ताने शमशेरी पुरवा वाले, नूरी चादर ताने हैं शमशेरी पुरवा वाले, हाँ जाने पहचाने हैं। अरे है शमशेरी पुरवा वाले हर्ष में। अरे तो तुझार तुझार हाथ उठाइए, जरा पता तो चले कितने लोग हैं। चौथे मिसरे पे आ सकती शिरकत चाहूंगा। हाजिर करता हूँ समाज फरमाए नूरी चादर ताने हैं शमशेरी पुरवा वाले, हाँ जाने पहचाने हैं शमशेरी पुरवा वाले, हाँ जाने पहचाने हैं शमशेरी पुरवा वाले। देख के इनके जज्बे को दिल मेरा ये कहता है, देख के इनके जज्बे को दिल मेरा ये कहता है, आका 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 के दीवाने हैं। ये पहले बोलना चाहिए था यार, आप जैसे दो चार लोग और बोलते तो लगे कि हाँ शमशेरी पुरवा में पढ़ रहा हूँ। बोलेंगे इंशाल्लाह। फिर से पढ़ता हूँ, एक बार कहें सुभान अल्लाह। देखिए शमशेरी पुरवा जो जुमला है ये रदीफ आपको पढ़नी है, ठीक है? पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ समाज फरमाए दूरी चादर ताने हैं शमशेरी पुरवा वाले, दूरी चादर ताने हैं शमशेरी पुरवा वाले, हाँ जाने पहचाने हैं शमशेरी पुरवा वाले। देख के इनके जज्बे को दिल मेरा ये कहता है, देख के इनके जज्बे को दिल मेरा ये कहता है, आका 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 के दीवाने शमशेरी पुरवा वाले, आका के दीवाने हैं शमशेरी पुरवा वाले। बहुत शुक्रिया हजरत गाइस पर मुकर्रर खुसूसी हजरत मौलाना अमीन साहब बहराइच दामन बरकात मुरालिया, माशाल्लाह तशरीफ ले आए हैं। इंशाल्लाह अल्लाह हजरत का बहुत ही कीमती खिताब होना है। आइए वो अशआर के लिए हुक्म हुआ था, मैं एक मतलब दो तीन शेर पढ़कर इंशाल्लाह अपनी जगह लेता हूं। बिलखुसूस तमाम उलमाए इकराम की दुआओं के साथ पेश करता हूं समाज फरमाए के दीन मिल्लत दीन मिल्लत दीन मिल्लत का कलंबर दार है कमरुल उलूम। कह दीजिए सुभान अल्लाह। दीन मिल्लत का कलंबर दार है कमरुल उलूम, दीन मिल्लत कालंबर दार है कमरुल उलूम। दुश्मन दी के दुश्मन दी के लिए तलवार है कमरुल उलूम, दीन मिल्लत कालंबर दार है कमरुल उलूम, दीन मिल्लत कालंबर दार है कमरुल उलूम। और जो भी इसके मुआविन हैं बिलखुसूस यहाँ के तमाम नौजवान उनकी शिरकत चाहता हूँ और एक खूबसूरत शेर हाजिर करता हूँ समाज फरमा के है ये सब शेर है ये सब शमशेरी पुरवा वालों की मेहनत का फल है, ये सब शमशेरी पुरवा वालों की मेहनत का फल है, ये सब शमशेरी
मेहनत का फल बन के इस्लामी बन के इस्लामी तिलात यार है कमर ले लो दीन मिल्लत का लंबर तार है कमर ले अभी हजरत ने फरमाया कि ये मदारिस अहले बातिल के लिए तलवार का काम करते हैं। शेर हाजिर करता हूँ समाज फरमा के हजरत अब्दुल रकीब हो मुबारक आपको हजरत अब्दुल रकीब हो मुबारक आपको हजरत अब के आपको अहले बातिल पर अहले बातिल पर खुदा की अहले बातिल पर खुदा की मार है कमर ले लो दीन मिल्लत कालंबर तार है कमर ले लो दीन मिल्लत कालंबर तार है कमर ले लो कह रहे हैं हजरत अय्यूब मौलाना वसी कह रहे हैं हजरत अय्यूब मौला कह रहे हैं हजरत अय्यूब मौला नावसी आप सबके प्यार आप सबके प्यार का आप सबके प्यार का हक दीन मिल्लत कालंबर तार है कमर ले लो ये मोइनुद्दीन मौला ना मुजफ्फर का है कौल। आखिरी शेर हाजिर करता हूँ उसके बाद इंशाअल्लाह खिताब होना है पेश करता हूँ समाज फरमाए देखेगा के ये मोइनुद्दीन मौला ना मुजफ्फर